डेबिट क्रेडिट और कोई भी जनरल एंट्रीज अगर हम करते हैं तो दो चीज़ों की एंट्री होती है, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी हम किसी भी तरीके अगर एंट्री करते हैं तो या तो हम सामान किसी से लेते या देते हैं या सर्विसेज लेते और देते हैं। तो इस केस में गुड्स और सर्विसेज में डेबिट और क्रेडिट, डेबिट मतलब कोई भी चीज़ हम गेट करेंगे तो वो डेबिट होगी और कोई भी चीज़ हम गिव करेंगे तो वो क्रेडिट होगी। तो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट में यही होता है, डेबिट जो भी चीज़ हम गेट करेंगे वो डेबिट होगी और अगर हम कोई भी चीज़ किसी को देंगे तो क्रेडिट होगी। मान लो हमने कोई 10 रुपये का पेन लिया तो हमने उसको क्या दिया, कैश। तो डेबिट क्या होगा, पेन, और क्रेडिट क्या होगा, कैश। मतलब हमने गिव क्या करा, कैश, और गेट क्या करा, पेन। तो हमने पेन लिया और उसको कैश दिया। अगर मान लो कोई भी स्टेशनरी हमने ली और हमने खरीदी स्टेशनरी और अगर हमने उसको कैश दिया तो गेट क्या हुआ, स्टेशनरी, और गिव क्या हुआ, पेन, कैश। तो इस तरह से मान लो हमने अपनी कार बेची तो हमारे पास गेट क्या हुआ, कैश, और गिव क्या हुआ, कार। तो हमने डेबिट क्या करा, कैश को डेबिट करा और कार को हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से रिचार्ज, हमने मान लो अपने मोबाइल का रिचार्ज कराया, मोबाइल का हम अगर रिचार्ज कराते हैं तो रिचार्ज जो होगा वो डेबिट होगा और अगर हमने उसको पैसे दिए कैश तो वो क्रेडिट होगा। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम बिल भरते हैं तो वो डेबिट होगा और उसके बदले में हम कोई पैसा देते हैं तो वो क्रेडिट होगा। इसी तरह से हमने किसी की ट्रेनिंग ली, मान लो योगा ट्रेनिंग या किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग किसी से लेते हैं तो वो ट्रेनिंग हमारे लिए हो गई डेबिट और हमने उसको पैसे दिया तो वो हो गई क्रेडिट। और अगर हम किसी का सामान या कंप्यूटर रिपेयर करते हैं तो वो हमारे लिए, जो कंप्यूटर हमने रिपेयर करा वो तो हो गया क्रेडिट और हमने उससे पैसे लिया कैश तो वो डेबिट हो गया। मतलब कोई भी चीज़ हम लेते हैं, भले वो वस्तु हो या सेवा हो, तो वो डेबिट होगी और अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं, भले वस्तु या सेवा हो, तो वो क्रेडिट होगी। तो दोस्तों ये है हमारी जनरल एंट्रीज। तो दोस्तों अब हम एंट्री करके इसको समझेंगे। तो जो भी चीज़ हम लेते हैं उसको डेबिट बोलते हैं और जो भी चीज़ हम देंगे उसको क्रेडिट करेंगे। तो अब हम बीजीएमएस की एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने पेन, 10 रुपये का हमने पेन ख़रीदा तो हमने उसको कैश दिया। तो यहाँ हम जाएंगे जनरल में, ऐड, तारीख डालेंगे नॉट एप्लीकेबल, हमने क्या ख़रीदा, पेन। अब पेन को हम ऑफिस एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। हमने इसको मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया 10 रुपीज़ और यहाँ कर दिया हमने कैश। अब हम यहाँ लिख सकते हैं बाय पेन, तो ये हमारी एक एंट्री हो गई। अब हम दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। दूसरी एंट्री में स्टेशनरी, स्टेशनरी हमने ख़रीदी, 10 रुपये कॉपी ख़रीदी। अब उसकी एंट्री कैसे करते हैं, स्टेशनरी लिख सकते हैं या ऑफिस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं, मेंटेनेंस, और या मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ये हमने कैश लिया और यहाँ लिख दिया हमने कॉपी बाय, हमने कॉपी खरीदी और इसको हमने सेव कर दिया। अब तीसरी एंट्री अगर हम करते हैं, कैश बाय कार, तो कैश हमने कार बेची और हमारे पास डेबिट क्या हुआ, जो चीज़ हमारे पास आती है वो डेबिट होती है, जो जाती है वो क्रेडिट होती है। तो हमने कार बेची, हमारे पास कैश आया, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार का एक अकाउंट बनाएंगे, अगर नहीं है तो इसको हम डालेंगे फिक्स असेट्स में, क्योंकि ये हमारी, और डेप्रिसिएशन 15% और हाफ ईयरली 7%, 7.5% होता है, तो इसको हमने जीएसटी नॉट एप्लीकेबल उसको सेव कर लेंगे। अब हम इसकी जनरल में एंट्री करेंगे, कार बेची, हमारे पास क्या आया, कैश, पहले कैश आएगा डेबिट, और क्या बेचा हमने, कार। यहाँ नरेशन में बिल लिख सकते हैं हम, कार सेल टू रमेश या सुरेश, जो भी हमने बेचा
वो यहाँ आ गया, इसको हमने सेव कर लिया। अब तीसरी एंट्री हम अगर देखते हैं तो कौन क्या एंट्री आती है तीसरी, रिचार्ज, हमने अपना मोबाइल रिचार्ज कराया, तो उसके लिए हम एंट्री क्या कर सकते हैं, हमने क्या करी, सेव वाली, सेव वाली मतलब रिचार्ज कराया, मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस, कैश ये डेबिट हो गया हमारा, टेलीफोन एक्सपेंसेस जो सेवा ली और जो दिया वो क्रेडिट हो गया, तो कैश हमने दिया, तो ये हमारी ये वाली एंट्री हो गई। अब उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100 रुपये हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो हमने क्या करा, सर्विस ली, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आ गया एक्सपेंसेस, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, हमने सर क्या, हमने क्या गेट किया, इलेक्ट्रिसिटी, और दिया क्या बदले में, कैश। तो जो भी चीज़ हम प्राप्त करेंगे वो डेबिट होगा और जो भी चीज़ हम देंगे वो क्रेडिट होगा। इसके बाद हम एंट्री करते हैं ट्रेनिंग, हमने योगा की ट्रेनिंग ली या किसी भी तरह की ट्रेनिंग ली, तो उसको हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, 2500 रुपये हमने खर्च करे ट्रेनिंग पे, हमने इसको क्या दिया, कैश, और यहाँ लिख सकते हैं हम अपने नरेशन में योगा ट्रेनिंग, तो ये हो गया हमारा सेव। इसके बाद हम एक एंट्री और करते हैं, कैश रिपेयर, हमने कंप्यूटर रिपेयर करके दिया, हमको क्या मिला, कैश, और हमने उसको क्या करके दिया, रिपेयर। तो जो चीज़ हमारे पास आई है वो तो होगी डेबिट और जो गई है वो होगी क्रेडिट, तो हमने हमारे पास क्या आया, कैश। और दी क्या अपन ने, इसको दी सर्विस, तो अपने पास कैश कितना आया, 1500 रुपये, और अपन ने क्या दिया उसको, सर्विस, तो हमने सर्विस दी, सर्विस में आप देख सकते हैं कुछ भी जो आपने सर्विस दी, कंप्यूटर रिपेयर, तो जनरल एंट्री में फर्स्ट इस तरह की जो एंट्री है वो जनरल एंट्री होती है। अब हम इसके बाद दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ेंगे आगे दोस्तों, अब हम जनरल में करेंगे थर्ड टाइप की एंट्री। थर्ड टाइप की एंट्री पहले गुड्स और सर्विसेज की हमने एंट्री की थी, अब करेंगे प्रॉमिस, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर किसी आदमी ने ली और उसका आपको तुरंत पैसा नहीं मिला, तो एक वादा उसने कराया कि मैं पैसे आपको ज़रूर दूंगा लेकिन अभी नहीं दे सकता। तो इस एंट्री में क्या हुआ, मैंने रमेश से पेन खरीदा, लेकिन उस राजेश से पेन खरीदा, लेकिन उसने उसको मैंने उस समय कैश नहीं दिया, तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको पैसे बाद में दूंगा, तो इसमें एंट्री क्या होगी, पेन टू राजेश, लेकिन ये एंट्री ज़रूर पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तक एक्टिव नहीं रहता। तो अब जब हम राजेश को पैसे देंगे तो ये एंट्री कंप्लीट होगी, राजेश टू कैश। तो इसको अब हम बीजी में एंट्री कैसे करेंगे वो करके दिखाते हैं आपको। ₹10 का हमने पेन लिया लेकिन हमने राजेश को पेमेंट नहीं करा, तो हमने क्या एंट्री करी, पेन टू राजेश। अब हमने 2 दिन बाद उसको पैसे दे दिए, अब हम एंट्री क्या करेंगे, राजेश टू कैश। दोस्तों ये हो गया फर्स्ट कंडीशन कि हमने कोई सामान किसी से लिया, मतलब ये एक तरह की उधार की एंट्री हो गई, हमने किसी से सामान लिया, हमने उसको पैसे नहीं दिए, हमने कहा पैसे बाद में देंगे, तो इसमें 2 एंट्री होंगी, पहले जो सामान लिया वो डेबिट होगा और व्यक्ति के नाम पे क्रेडिट होगा, फिर व्यक्ति के नाम पे डेबिट होके जो हमने उसको दिया वो क्रेडिट होगा। तो अब इसी तरह के हम दूसरी एंट्री पे चलते हैं, मैंने कार बेची, तो कार बेची तो मेरे पास कैश आया और मैंने कार बेची, तो कैश डेबिट होगा
और कार क्रेडिट होगा। लेकिन मेरे दोस्त ने बोला यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे बाद में दूंगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिस बंदे को हमने कार बेची वो तो होगा डेबिट, और जो चीज बेची वो होगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हम बीजे में कैसे करेंगे? रजिस्टर टू कार, ये एक एंट्री हो गई। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो बंदा हमको पैसे देगा, तो अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश टू राजेश। क्योंकि कोई भी बंदा अगर उसको अपना प्रॉमिस करता है तो उसको वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ता है। तो अब हमारे पास क्या आया? कैश। और क्योंकि हमने कार की एंट्री पहले कर ली थी, तो जिससे हमारे पास कैश आया अब उसके थ्रू हम ये एंट्री करेंगे। तो ये एंट्री हुई कैश टू राजेश। अब इसी में हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, हमने राजेश को कार बेची, लेकिन राजेश ने कहा 1 लाख रुपए की कार है, लेकिन मैं अभी आपको 50,000 ही दे सकता हूँ और 50,000 बाद में दूंगा। तो इसमें दो अकाउंट डेबिट होंगे और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री हम बिजी में कैसे करेंगे वो देखिए आप। कैश हमारे पास कितना आया? 50,000। कार की कीमत कितनी थी? 1 लाख। अब बचे कितने? 50,000। तो दो अकाउंट हो गए हमारे डेबिट और कार अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ये दो अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमको 50,000 मिल गया है। 50,000 का राजेश ने वादा किया है कि मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं आए हैं। तो हमको कैश 50,000, राजेश अकाउंट 50,000 और कार 1 लाख। अब इसकी हम जो एंट्री, जब राजेश हमको थोड़े दिन बाद पैसे दे देगा, तो उसकी एंट्री हम अब क्या करेंगे? कैश टू राजेश, मतलब हमारे पास क्या आया? कैश। और दिया किसने? राजेश ने। राजेश ने 5 दिन बाद हमको पैसे दे दिए, तो हमारे पास क्या आया? कैश। किसने दिए? राजेश ने। तो ये दोस्तों थर्ड कंडीशन हो गई हमारे जर्नल एंट्री की। अब हम फोर्थ एंट्री पे आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं चौथी कंडीशन की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इस केस में क्या होता है, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको मोबाइल फाउंड हुआ। मोबाइल फाउंड हुआ मतलब हमको मोबाइल मिला, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। और किससे मिला ऐसा कुछ पता नहीं है हमको, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। डेबिट जो चीज़ मिलती है वो डेबिट होती है, लेकिन ये हमारा प्रॉफिट है और अननोन सोर्स से है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। मोबाइल फाउंड ऑन रोड, तो अब उसके लिए पहले हम मोबाइल का अकाउंट बना लेंगे एक। फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन 15% लगा लिया, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, ओके। अब जनरल में हम एंट्री करेंगे, हमको मोबाइल फाउंड हुआ, जो चीज चीज़ गेट होती है वो डेबिट होगी। इसका हम अंदाज से पैसे डाल दिए, 5,000 रुपये का हमको मोबाइल मिला। अब ये हमको अननोन सोर्स से मिला, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। तो ये एंट्री हमारी हो गई। दूसरी एंट्री अब हम कैसे करेंगे, हमारा मोबाइल रास्ते में खो गया, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे जनरल एंट्री में, ये देखते हैं अपन। जो चीज़ गई डेबिट, जो चीज़ आई प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अननोन सोर्स से होगा। हमारा लॉस क्या हुआ? मोबाइल। तो ये एंट्री हो गई, हमने हमारे यहाँ लॉस हो गया, हमने मोबाइल खो दिया। अब इसी में तीसरी तरह की एंट्री, मान लो कोई मशीनरी है हमारी और वो बर्न हो गई, तो ये हमारा लॉस कहलाएगा। तो अब बिजी में इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। पचास हजार की मशीनरी जल गई हमारी, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा लॉस कहलाया। अब इसी में आगे एक और एंट्री देखते हैं, ये कंडीशन फोर हो गई।
अब इसके आगे की हम कंडीशन में चलते हैं, हमने राजेश को 10,000 का गुड्स बेचा और हमको पता है राजेश पैसे देगा, लेकिन राजेश शहर छोड़कर चला गया, वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो हमारी पहली एंट्री जो होगी वो राजेश डेबिट टू गुड्स क्रेडिट। तो राजेश को अपने सामान बेचा और उसने वादा किया मैं पैसे दूंगा, लेकिन राजेश शहर छोड़ के चला गया और कभी लौट के नहीं आएगा, तो ये हमारा लॉस कहलाएगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? राजेश अकाउंट डेबिट, हमारे यहाँ से क्या सामान चला गया, हमने उसको कंप्यूटर दे दिया या कोई भी सामान आप लिख सकते हो, कंप्यूटर्स, ये हो गया। लेकिन राजेश अब कभी लौट के नहीं आएगा, तो हमने उसको लॉस में डाल दिया। तो दोस्तों ये हमारी जनरल की सारी एंट्रियाँ थी, और जनरल के एंट्री में जो सबसे प्रमुख बात ध्यान रखने वाली ये रहती है कि डेबिट जो भी चीज़ हमने गेट करी या प्राप्त करी, जो ली वो डेबिट होगा, जो भी चीज़ हमने दी या गिव करी वो क्रेडिट होगा। हमने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो वो डेबिट होगा, बदले में जो चीज़ दी है वो क्रेडिट होगा। हमने कोई भी सर्विस अगर ली है, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, वो डेबिट होगा। ट्रेनिंग और हमने कुछ भी चीज़ दी है तो क्रेडिट होगा। तो दोस्तों एंट्री, जनरल एंट्री करते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ डेबिट होगा और क्या चीज़ क्रेडिट होगा।